ये दौर उमैया खिलाफत का था, दमिश्क खिलाफत का दारुल हुकूमत था और खलीफा थे वलीद बिन अब्दुल मलिक। बलूचिस्तान से लेकर अफ्रीका तक खिलाफत का परचम लहरा रहा था। अफ्रीका के वाली थे मूसा बिन नुसैर। मूसा का एक खादिम था जिसका नाम जियाद था। जियाद बहुत बहादुर और जंगजू था। उसने मूसा के साथ तकरीबन 15 से 16 जंगों में हिस्सा लिया और बड़ी बहादुरी से लड़ा। कई बार नाजुक वक्त पर जियाद ने मूसा बिन नुसैर की जान भी बचाई। मूसा ने इस एहसान के बदले जियाद को अपना मुंह बोला भाई बना लिया। जब जियाद एक जंग में शहीद हो गया तो उसका बेटा तारिक और तारिक की माँ हलीमा दोनों मूसा के पास आ गए और उसके घर में रहने लगे। तो कुछ इस तरह से तारिक बिन जियाद मूसा बिन नुसैर की सरपरस्ती में आ गया। तारिक एक पैदाइशी जर्नैल था, सिपाहगिरी उसके खून में शामिल थी। जंगी फन हर्ब में उसे महारत हासिल थी। वो तलवार से इस तरह खेलता था जैसे कि पंछी हवाओं से खेलते हैं।